अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ चली गई अब? और कहाँ से आ रहे हो जाहिल रेडियो? ए, तुझसे कितनी दफा पक रहा है कि मेरे मुंह मत लगाकर। बड़े तो नहीं, तुम्हारे मुंह कौन लग रहा है? मुझे तू रत्ती भर भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मेरे टुकड़ों में पलता और मेरे को धोस देता है। मैं भी कहता हूँ कि तुम कब चार कंधों पे जाओगे लत के, और मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा, फूक के आऊंगा तुम्हें। चाहे तेरे दुश्मन और जाएगा तू, मैं क्यों जाऊंगा? अरे चुप करो तुम, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। तुम्हारे एक बात बताओ तो, तुम्हारे मुंह लगना भी कौन चाहता है कि तुम आज मैं बहू का आवाज दे रहा था, तेरा मतलब क्या है मेरे पास बात करने? मैं तो यहीं पे काम कर रहा था तो इसलिए मैं बैठा हुआ था। मैं आगे बताओ क्या बात है, क्या काम है? जिसका नौकर है उससे बात रखा कर और उसी का काम करा। दो ऐसा है, वो तुम्हारे घर की बहू है तो मैं बहुआ हूँ। बहुआ नहीं, मेरा मतलब सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन लो। ऐसा है, देखो मैं उनके घर का नौकर हूँ और तुम्हें तो सब लोगों को मेरा गुण एहसान मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों को खाना बना बना के खिला रहा हूँ। बड्डे फिर बोल रहा है खाना क्या तू अपनी गांठ से खिला रहा है या तेरे मरे जिंदे बाप मुझे बना के तुझे पैसे दे रहे हैं जो तू खाली बैठो। बुड्ढे, ए बुड्ढे, तू मुझसे बुड्ढे मत कह कर। अच्छा, अभी मैं अच्छा खासा हूँ, देख। हाँ हाँ, मुझसे बहस मत करा कर। तो जैसे लौंडे खेत में अभी दौड़ा दौड़ा के भगाता हूँ मैं। हाँ, और दीवारों पर चढ़ जाते हैं मेरे डर की वजह से। बड़े, वो तुम्हारे लड़के करते होंगे ऐसे कामों को। मैं नहीं करूंगा, सुन लो तुम साफ बात। क्योंकि और ना मैं डरूंगा तुमसे, क्योंकि तू बेवकूफ और जाहिल, बिल्कुल गवार के साथ। अपने लिए कह रहे, बिल्कुल समझ गया तुम। तू 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 मेरा मुंह मत लगा कर। है तो तुम्हारे वो लड़कों ने निकल लिया तू मैंने। अरे काम का वाली बात मत करो बड्डे, बता रहा हूँ। फिर बड्डे कहता है मुझसे, मैं करना तो नहीं चाहता मगर तुझे लिया ही है ना तोहफे में। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी हंगामा होगा घर में, बता रहा हूँ अभी। अबे बोला जाएगा, पागल हो गया ये। ये ये कपड़ों पड़े लेके। अरे मैं घर जा रहा हूँ, मैं मालिक घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ अपने। मगर क्यों? अरे तुम्हारे पिताजी ने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा है, मेरे ऊपर हाथ उठाया उन्होंने। तुम्हारे पिताजी पागल हो गए, ठसु बुद्धि हो गए, वो उन्हें समझाते नहीं हो तुम। गोला गोला, तुझे पहले भी समझाया था। नहीं गोला पोला मत करो मेरे सामने, मुझे सहलाओ मत। गोला देख, तू पायल मैडम के साथ आया है ना, इसलिए तुझे झेलना पड़ता है। और तू लेकिन अब तो इस घर का मेंबर हो गया है। मैं जा रहा हूं। और सुन मेरी बात तो सुन, पिताजी ने ऐसा तुझसे क्या कह दिया जो तू घर छोड़ के जा रहा है? अरे उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो हाथ तो कभी कभी मेरे ऊपर भी उठा देते तो मैं घर से निकल। तुम्हारी अलग बात है, तुम चाहे उनसे डंडे खाओ, मैं थोड़ी ना खाऊंगा। देख तू घर छोड़ के, मैं घर घर जा रहा हूँ, अपनी बात खत्म। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। देख पायल को बुरा, मैंने तुमसे कह दिया मैं जा रहा हूँ, मत बात कर दूँ। जा रहा है, मुझे मत रोको। तू जाने की जिद कर रहा है? मैं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। जाने की जिद कर रहा है? जा रहा हूँ मैं। तो जिद कर रहा है, बोलो कहाँ जा रहा है तू? अरे वो मालकिन है का, इनके पिताजी ने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा है। बताइए कोई बात होती है बिना बात के वो भी? लेकिन क्यों? नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं अब नहीं रहूंगा। सुनो पायल, सुनो मेरी मेरी, अरे रुक जा, पागल हो गया तू? अरे पायल मेरी बात सुनो, अगर पिताजी मेरे थप्पड़ मार देते ना, मैं कब का घर छोड़ के चला जाता। अरे हाँ, अगर ये जाना चाहता है तो जाओ। अब मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं गोलू, कहीं नहीं जाएगा तू। सुनो, हर इंसान की अपनी एक इज्जत होती है, बेचारे के थप्पड़ मार दिया। और मैं चाह रहा हूँ अगर ये जा रहा है तो जाए। मैं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा गोलू। अरे गोलू बेटा, तू जाना चाहता, देख बस का भी टाइम हो रहा है, दोबारा जा रहा हूँ। मिलेगी गोलू, इधर खड़ा हो जा तू, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं कौन हूँ तेरी? मेरी बात सुन, देख तेरे आज थप्पड़ मार दिया ना, अब बापू का हाथ तुझ पे खुल गया है। बिल्कुल, तो अब मैं जा रहा हूँ। गोलू विजय, अब क्या चाहते हैं, चला जाए? मेरी बात सुन, आज थप्पड़ मारा है, कल को वो तुझ पे स्टिक भी घुमा सकता। सही कह रहे, मैं जा रहा हूँ। गोलू तुम आखिर तुम इसे जाने क्यों नहीं देना चाहते? क्यों जाने दूँ? इसका मतलब इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम्हारी जिम्मेदारी तो थी आज तक जो रह रहा है। इसको रास्ता तक नहीं पता, अगर कहीं चला गया ना भटक जाएगा ये। उसकी चिंता तुम मत करो, रास्ता मैं दिखा दूंगा बस अड्डे का। मैं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाएगा ये, मेरे पास ही रहेगा। पायल पायल, कब तक तुम्हारे पास रहेगा? देखो लड़का जवान हो गया है, अपने गांव जाएगा, इसके पिताजी इसकी शादी वादी करेंगे। अब क्यों इतना वो कर रहे हैं, क्यों उसको फोर्स कर रहे हैं जाने के लिए? मैं फोर्स ना कर रहा, ये खुद ही जा रहा है। बिल्कुल नहीं जाएगा जी। अरे मैं जा रहा हूँ। गोलू तू कहीं नहीं जाएगा, चल मेरे साथ अंदर। चल चल, आज अच्छा खासा मौका मिला, इस औरत ने ये मौका हाथ से निकाल दिया है। आज पिताजी ने बहुत अच्छा काम करा, इसके छापड़ मार के, वाह मजा आ गया भाई। पागल हो गया, जा रहा हूँ, बांध लिए अपने कपड़े। अरे तो मैं जा रहा हूँ, वो जाहिल बुड्ढे ने मेरे थप्पड़ मार दिया, बताओ। तो मार दिया तो क्या हो गया? बड़े है वो, मार दिया क्या हो गया? अरे तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ में आया क्या हो गया? अरे उन्होंने मेरे थप्पड़ मार दिया, कितनी बड़ी बात है। मैं तुम्हारे 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 साथ आया हूँ तो मैं तुम्हारी तो देखाबारी करूंगा ना मैं।
तूने कुछ कहा होगा तभी उन्होंने थप्पड़ मारा होगा। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। बता तो कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया। और मालकिन यूं कह रहा था कि तुम्हारा मेरा चक्कर चल रहा है। बताओ ये कौन सी बात है होती बेतुकियाई वाली। पिताजी ऐसे कह रहे थे मेरे बारे में। बिल्कुल कह रहे थे। तू एक काम कर किचन में जा मेरे लिए कॉफी बना। मैं जाती हूँ पिताजी के पास। ठीक है मालकिन ठीक है चलता हूँ। पिताजी पिताजी। हाँ बहू। पिताजी एक बात बताइए। हाँ बहू। जब से तो मैं सुन रही थी कि गोलू को यहाँ से निकाल दो ये है वो है लेकिन आज आज आपने उसको मारा भी और क्या कहा गोलू को और मेरा चक्कर है। क्या इतनी गंदी सोच है आपकी। उसने ऐसे कहा। मैंने नहीं कहा उससे कुछ भी ऐसे। पिताजी वो बात बना रहा होगा बहुत झूठा है वो बेटी। हाँ सब पता है कौन झूठा है कौन सच है। मुझे आपकी आपकी जीभ लड़खड़ा दी है ना बोलने में क्योंकि आपने कहा है इसलिए तो। नहीं बहू वो बहुत झूठा है। हाँ झूठा है आप सच्चे हो। और आपने उसके थप्पड़ क्यों मारा। बहू थप्पड़ मुझसे जाहिल कह रहा था। जाहिल कह रहा था तो वो तो हो आप जाहिल तो आप हो। उसने कुछ गलत नहीं बोला एक नंबर के जाहिल और गवार हो। अगर आप जाहिल गवार नहीं होते तो इस तरीके की बात नहीं करते इस तरीके का गंदे इल्जाम नहीं लगाते। अरे मैंने तो ये सोचा था कि एक शहर से निकल के गांव में जाऊंगी कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगी कुछ जाहिल लोगों को उनको समझाऊंगी कुछ सिखाऊंगी उनको कुछ नया सिखाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जाहिल लोग गवार लोग मुझ पर ही इल्जाम लगाने लग जाएंगे। और गोलू को तो इसलिए साथ में लेकर आई थी कि वो आप सबकी सेवा करे और करता भी है वो कितनी सेवा करता है अपने मालिक की आपकी मेरी सबकी सेवा करता है पूरा दिन काम करता है वो। और आप हो के मतलब उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो आपको शर्म नहीं आती। अब तो ऐसा लगता है इस घर में मैं भी ना रहूं मैं भी चली जाऊं। गोलू तो जा ही रहा था उसके साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी इस घर को छोड़कर। ये बजे मुझे डांट रही है बहू मगर उसने मुझसे खुद कहा था कि मैंने उसको नहाते और मैं साथ भी सोया हूं। अगर मेरी बात गलत या झूठी है तो मैं क्या करूं। मुझे भी कोई सबूत नहीं है जो मैं बहू को बताऊं। बेटा भी मेरे को जाहिल बोल रहा है बहू भी बोल रही है और ये तो ये उसका नौकर भी मुझे जाहिल कहता है। क्या वास्तव में मैं जाहिल हूं। मगर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये नौकर के ठीक है। अरे ताऊ जी राम राम। राम राम बेटा। क्या हुआ ताऊ जी आज बड़े उदास लग रहे हो। बेटा बात ऐसी है कि अब मेरा जीने का मन नहीं कर रहा। ताऊ जी कैसी बातें कर रहे हो कि जीने का मन नहीं कर रहा क्या बात हो गई। बेटे आज मेरी है ना बहू ने बहुत बेइज्जती की। ताऊ जी बहुत ज्यादा बेइज्जती सहन कर ली मैंने अब मुझसे सहन नहीं हो रही बेटे। अरे ताऊ जी हुआ क्या। हुआ क्या कि वही वाली बात को लेके आ गई नौकर से नोक झोंक हुई थी उसके बाद उसने मुझे सुना दी। सुना दी। अरे ताऊ जी इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर बहू से नोक झोंक हो जाए और आप घर में जाके कि मैं अब जीने से फायदा नहीं मरने चल दिएगा। देखो ताऊ जी बात ऐसी है अगर घर में कोई नोकझोंक थोड़ी सी हो जाती है तो इसका यह मतलब थोड़ी है घर छोड़ के चले जाओ। अभिजय को पता चलेगा तो कितना कैसा लगेगा। बेटे आज मैं जाहिल और गवार ना होता तो आज मुझसे मेरी बहू उसका नौकर बेटा बेटा मेरी बात को मानता ही नहीं क्या कभी तो इसीलिए बेटा मैं अब घर नहीं जाऊंगा। ताऊ जी एक काम करो आप घर मत चलो मेरे घर चलो ठीक है। बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अरे ताऊ जी कैसी बात कर रहे हो बचपन में उंगलियां पकड़ पकड़ के हम चलते थे आपकी और आप कह रहे हो कि हमारे बोझ नहीं बनते। देखो ताऊ जी आप भी मेरे पिता समान हो जैसे मेरे पिताजी वैसे ही आप। अगर वो नहीं सुन रहे तो देखता हूं और इसमें आप ही का फायदा है पिताजी। ताऊ जी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे घर पर रहोगे तो वो घर पर ढूंढेंगे कि कहाँ गए ये आएंगे मैं बताऊंगा नहीं हो सकता उनमें कोई बात हो इस घर का माहौल थोड़ा सा सही हो जाए ठीक है। हाँ बेटे जैसा तू ठीक समझे
चलो आओ मेरे साथ चलो। अरे लाओ बुलाओ बड्डे जाहिल, शायद इस नाम से ना सुन रहे हो। अरे मालिक साहब, मालिक साहब चाय आपकी, बड़े मालिक साहब। कोई आवाज ही ना तेरा, मुझे लगता कोई है ही नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ मालकिन से पूछता हूँ कहाँ गए। बताओ चाय करवा के रख गए, चाय में बना के लाया अच्छी खासी। छोटी मालकिन क्या हुआ गोलू? वो क्या हुआ? तुम्हारे ससुर साहब नहीं दिख रहे। क्यों रूम में नहीं है? नहीं मैंने उनको बहुत आवाजें दी, मैंने उझक के भी देखा। हाँ? तो अंदर कोई था ही नहीं। अरे सुबह सुबह कहाँ जाएंगे, तूने ढंग से देखा नहीं होगा। अब गए होंगे तो वॉशरूम वगैरह में गए होंगे। वॉशरूम वगैरह में जाते हैं तो उसके बाद में मुझे वो आवाज लगाते हैं, है ना, और मुझे आवाज लगा के बोलते हैं बेटा चाय ले गया, तब वो चाय पीते हैं और बिस्तर पे चाय मंगाते हैं, वो चाय पीते हैं बिस्तर पे, तब जाके वो नहाने धोने के लिए जाते हैं। ठीक से जाके देख वॉशरूम में होंगे, अगर वॉशरूम में नहीं हुआ तो वो बिगड़ चाय पिए तो कहीं जाते ही नहीं है। मालकिन ऐसा करो आप मेरे साथ चलो कमरे वहाँ पे, है ना, उनके रूम में देखे आना आप भी। चलो मैंने तो देख लिया उन्हें। चल चल मैं देखती हूँ। ठीक। अरे पूरे रूम में पिताजी नहीं है? जब ही तो मैं आया था यहाँ पे, मैंने देखा भी तो। आज सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं, वो तो कहीं जाते भी नहीं है और इतनी सुबह सुबह तो कभी मैंने उनको जाते नहीं देखा। गोलू कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गुस्से में पिताजी से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था? अरे तो उल्टा सीधा वो ही तेरे पीछे। उल्टा सीधा नहीं, लेकिन उनको आपने एक समझाने वाली बातें की थी कि मैं अगर आपके साथ समझाया नहीं, मैंने उन पे पूरा गुस्सा निकाल दिया अपना जाकर, और उनसे जाहिल गवार पता नहीं क्या क्या बोल गई मैं गुस्से में। मालकिन वैसे वो कभी बुरा नहीं मानते, और मेरे और उनके बीच में तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं, पर मालकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज से पहले, क्योंकि मैं तो उनसे ऐसे मजाक करता रहता था अपने खूब। मैंने उनसे तू मजाक करता रहता था लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं बोला उनसे। हाँ मैं कुछ बातें कहती थी लेकिन इस तरीके से कभी गुस्सा नहीं निकाला। कहीं ऐसा तो नहीं गुस्से में घर छोड़कर चले गए हो? नहीं मालकिन ऐसे ऐसे मत सोचो, और फिर जाएंगे कहाँ जाएंगे? मैं विजय को क्या जवाब दूंगी? और विजय बाहर गए हुए हैं, अगर वो वापस आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि पिताजी कहाँ हैं? अरे कोई बात नहीं मालकिन, अगर वो कहीं चले भी गए हैं तो आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आए और अगर आपसे अगर मालिक पूछते हैं तो उनसे आप कह देना कि वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। तीर्थ? लेकिन उन्होंने ये पूछा कि क्या बोल के गए क्या नहीं बोल के गए, क्या जवाब दूंगी उसका भी मैं? साफ साफ बात है मालकिन, आप उनको ये वाली बात बोल देना कि वो मुझे बोल करके गए थे कि बेटा मैं तीर्थ यात्रा के दर्शन करने जा रहा हूँ, अपने किसी और कोई मेरे दोस्त का कोई बेटा है तो वो बस ले जा रहा है, उसमें बैठ के मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा। ठीक है मैं वो बोल भी दूंगी। अगर बाद में विजय ने पूछा पिताजी से कि आप मुझे बगैर बताए चले गए, पिताजी ने सच बोल दिया कि नहीं मैं कहीं नहीं गया तीर्थ पे, मैं बहू के गुस्सा की वजह से चला गया, बहू ने मुझे ऐसे ऐसे बोला तो बढ़ जाऊंगी। अरे मालकिन आप कैसी, सारे पिताजी के कपड़े भी यही रखे हुए हैं। अरे आप कपड़ों की चिंता मत करो, सारे कपड़े मैं छुपा दूंगा, और अगर कभी उन्होंने इस बात को पूछा उनसे, वो अगर आ गए और उन दोनों की मुलाकात हो गई बड़े मालिक की और छोटे मालिक की, और उन्होंने बड़े मालिक से पूछ लिया कि आप तीर्थ यात्रा पर गए थे, तो उस वक्त मैं हूँ, मैं बोल दूंगा कि हाँ आप तीर्थ यात्रा पर गए थे, आपके आपके मित्र का बेटा मिला था, वो बोल रहा था कि हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर गए। अरे मालकिन आप चिंता मत करो, उनको हम मैं कर लूंगा, सब हैंडल कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। मुझे तो घबराहट हो रही है। नहीं अब तुम जो है बिल्कुल एकदम अच्छे से रहो, खुश रहो, बढ़िया, घबराहट वाली कोई बात नहीं है, वो कहीं नहीं जाएंगे, और अगर कहीं गए भी होंगे तो समय होते अपने वापस हो लेंगे। ठीक है चलो आ जाए तो अच्छा ही है। ये चाय अब आप पी लो, चलो चाय आप उठा लीजिए, चलो बाहर बैठ लो आप। मैं सारे के सारे कपड़े समेट करके छुपा देता हूँ ताकि ऐसा लगे कि वो यहाँ है ही नहीं है। पिताजी पिताजी पिता, विजय आप आ गए? हाँ भाई पिताजी कहाँ दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी अरे हाँ वो ध्यान आया, वो तो वहाँ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तीर्थ यात्रा पर? हाँ वो क्या ना पिताजी का बहुत ज्यादा मन था तो मैंने मना नहीं किया, मैंने बोल दिया आप चले जाओ। पिताजी तीर्थ यात्रा पर? हाँ विजय। मुझसे बिना पूछे? अरे वो क्या आप तो थे नहीं तो मैंने बोल दिया आप चले जाइए, मैं विजय को बता दूंगी। ये कौन सी बात हुई कि आप थे नहीं,
घर में दो दो तीन तीन फोन है, मोबाइल है, और पिताजी बिना फिर। अरे वो क्या है ना, अचानक से उनका प्लान बन गया अपने दोस्त के साथ जाने के लिए, तो दोस्तों के साथ तो चले गए। उनके सारे दोस्तों को तो मैं जानता हूं, कहीं तुमसे कोई बात तो नहीं पिताजी की? अरे नहीं नहीं विजय, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोबाइल मुझसे सच सच बताओ। अरे मैं सच बता रही हूँ, कुछ नहीं हुआ ऐसा। अरे पिताजी के पास किसी का फोन आया था, कह रहे मुझे वो साथ ले जाना चाह रहा है, तो मैंने बोल दिया अगर पिताजी आपका मन हो तो आप चले जाओ। हाँ हाँ मालिक, मालकिन ठीक कह रही है, बड़े मालिक मुझको भी बोल करके गए थे, मैंने उनसे मना किया था कि आप मत जाओ, छोटे मालिक आ जाएंगे, आप जब वो आ जाए तो आप उनके सामने निकल जाना, वो आपको छोड़ आएंगे। और तुमने मुझसे बिना पूछो ना जाने दिया? छोटे मालिक जब वो माने ही नहीं, वो हट पे हट जिद पे जिद करे जा रहे थे, वो क्या है ना उनको अर्जेंट जाना था, कॉल आई तो कपड़े पैक किए और चल दिए। बिल्कुल, और खुद मैं छोड़ के आया हूं उन्हें। जहां तक मैं उनके सारे दोस्तों को जानता हूँ सब तो यही है, फिर वो किसके साथ गए? अब वो तो आप जाने, वो तो फोन आया था। कहीं तुमने तो, लो मालिक कर लो बात, आप हम पर शक कर रहे हैं ना, आप बोलना चाह रहे हैं सच कह रहा है कि वो मैं सच कर गए? अरे विजय वो सच कह रहा है, आप विजय शक कर रहे हैं। अब हम क्यों निकालेंगे उन्हें घर से बाहर? और एक तो ये वाली बात है कि अगर वो कहीं जाएंगे भी तो मैं ढूंढ के लेके आऊंगा उन्हें, और जब वो मेरे सामने जब मैं छोड़ के आया उनको कपड़े पैक कर, आप उनका रूम देख लीजिए, एक भी कपड़ा मिल जाए उनका आपको। हाँ विजय, गोलू ठीक कह रहा है। अरे विजय यकीन करो ना, चलो सच अच्छा कह रहा है। तुम कह रहे हो तो हो सकता है कि, और हाँ कोई वैसे थोड़ी ना गए, तीर्थ यात्रा करने ही तो गए हैं बस। वो तो ठीक है, लेकिन पिताजी को मुझसे कोई समझ नहीं आया। चलो ठीक है, देखो घर में जब बड़े बूढ़े होते हैं ना तो उनका दिमाग बड़ा पक जाता है, क्योंकि वो घर ही घर में रहते हैं, बाहर की हवा लेंगे, देखेंगे बाहर को, तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा आप आओ मालिक, चलो आपकी कॉफी चाहिए। ठीक है, मैं जब तक चाय बात। लो ताऊ जी, तुम्हारी बहू ने बेहतरीन सी चाय भेजी है तुम्हें। लो खुश तो हो यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ। अब पिताजी भी, जब से तुम आए हो पिताजी भी चलो रहे हैं, अभी लेके गए उसको बहू को अपनी, तो मैंने कहा थोड़ा सा दवाई ववाई दिला लें उनकी, तो बीबी गई और सब ठीक ठाक है। और ताऊ जी बिल्कुल, ये घर आपके लिए, आज पूरा एक महीना हो गया ताऊ जी, देखा बिल्कुल भी क्या बताऊ जी। वैसे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि तू भी मेरा बेटा है और वो भी मेरा बेटा है, बहू है ये, बहू बहुत अच्छी है। मगर बेटे देखा तूने, आज 15-20 दिन हो गए, ना मेरी बहू ने याद किया, ना मेरे बेटे ने पूछा कि बाप मर गया या जिंदा है। ताऊ जी आप सही कह रहे हैं, विजय को इस चीज़ को सोचना चाहिए था, अगर आप पिताजी हो उसके। मैं तो ये समझता था कि विजय पढ़ लिख कर एक वकील है, अच्छा है, अपने घर को पढ़ी लिखी बीवी लाया है, समाज में अच्छा ही होगा, स्कूल खुला हुआ है तो सब कुछ करेगा, लेकिन इतना स्वार्थी निकलेगा ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कहते हैं कि 60 साल का हो जाता है तो वो बच्चे जैसी बुद्धि हो जाती है, मगर मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि बेटे को बेटी ना समझा, बहू को बहू ना समझा, मगर मैंने कुछ नहीं कहा किसी से, बस कसूर यही था ना कि जैसा उसके नौकर ने कहा मैंने वो बात अपने बेटे से कही, मगर बहू ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया, और बेटा भी ऐसा है उसने भी मेरी बातों का विश्वास ना करके उल्टा मुझे डांटा, और बहू ने इतनी बेइज्जती की मेरी, अगर उस टाइम पे तू ना होता तो मैं बचता नहीं, मैं चला जाता बेटे। नहीं ताऊ जी, जिस तरह विजय आपका बेटा है ना, वैसे मैं भी आपका बेटा हूँ, और देखो ना जब से आप घर के अंदर आए हो पिताजी भी खुश हैं, मेरी बीवी खुश है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखो जिस घर में बुजुर्ग होते हैं ना उस, वो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है ताऊ जी, और यहाँ तो मेरे पिताजी और आप दो दो बुजुर्ग हैं मेरे घर में, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और हाँ ताऊ जी एक बात और, मुझे आपकी बहू का या आपके नौकर का कोई अफसोस नहीं है, अफसोस तो इस बात का है कि विजय इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, किस हाल में।
अगर वो चाहता तो एक दिन मेरे यहाँ भी आता, मुझसे भी पूछता। और मैं ही क्यों जाऊँ उसके घर पे? मेरी मेरी कौन सी भैंस खोल ली उसने? अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता या वो उससे मतलब नहीं रखना चाहता तो मैं क्यों जाऊँ उसके घर पे? और हाँ ताऊ जी, आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि ये घर आपका नहीं है, ये घर हमेशा आपका है, हमेशा रहेगा। हाँ बेटे, मैंने कहा था ना कि अब मेरे एक नहीं दो दो बेटे हैं। बस ताऊ जी, आप दो बेटे देके गाली ना दें। अगर विजय को ये सब पता होता कि आप इतनी मुसीबत में घर छोड़ के गए तो क्या वो आपको ढूंढता नहीं? क्या कभी किसी से पूछता नहीं? मेरे पिताजी पंचायत में बैठते चले जाते हैं, आप उनके साथ नहीं जाते हो? कभी पंचायत में जाके पूछा आपने कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, आपके साथ रहते थे? अरे स्वार्थी हो गया, बस स्वार्थी। जब आदमी के पास दौलत और शोहरत आ जाती है ना तो ताऊ जी फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देता, अंधा हो जाता है। बोलो, आज मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो संस्कार आपने अपने बेटे को और मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे, उन संस्कार पे जरा सा भी नहीं चला वो। बस ताऊ जी, बात ऐसी है बेटे कि संस्कार तो मैंने उसे बहुत अच्छे दिए थे, मगर ऐसी कौन सी घड़ी थी जिस घड़ी में वो बहू आई थी? नहीं तो मैं अपने बेटे से जो कहता था वो मानता था। आज आज उन बातों पे मेरी पे यकीन नहीं करता। सारी कमी बहू की है बेटे, क्योंकि आज बहू ऐसी ना होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। कहा देख, एक मेरी बहू जो उसने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, और एक ये बहू कि कितनी अच्छी है कि मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं इसका ससुर हूँ। ऐसे ख्याल रखती है हम दोनों का कि जैसे हम इसके ससुर नहीं पिता हैं। देखो ताऊ जी, मेरे पिताजी और मैं और आप, इस वक्त आप भी इस घर के मेंबर हो। मैंने बाहर इसलिए नहीं भेजा आपको, बाहर पंचायत में इसलिए नहीं बिठाया ताकि कम से कम पूछे तो सही, सारे पंचायतियों को पता है। लेकिन कभी विजय ने आके उनसे भी पूछा? मैंने सब लोगों से पूछा, ताया से, चाचा से, धनीराम जी, जग्गा साहब से, सब जितने भी आपके जितने लगोटिया हैं सबसे पूछा मैंने। क्या क्या विजय ने अपने पिताजी को आकर पूछा? सब ने मना ही करा। मेरे पिताजी तो रोज पंचायत से आके तुम्हारे पास बैठते हैं, कभी भी उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि आपको अब फिक्र, आपकी फिक्र नहीं रही। हाँ बेटे, मुझे तो लगता है कि आप, वैसे एक बात बताऊं ताऊ जी, आप बेफिक्र रहो, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ बेटे, तू है तो इसीलिए तो मैं पढ़ाऊ इधर। बिल्कुल बेफिक्र रहो, पिताजी आ रहे होंगे, आप पिताजी के साथ खूब बातें करना। और हाँ, अगर जब आपको किसी, जब आपकी किसी को फिक्र नहीं है तो आप भी किसी की फिक्र ना करें। हाँ बेटे, मगर क्या करें, खून तो खून ही होता है ना। ताऊ जी ये तो मुझे भी पता है। दुख तो होता है कि मैंने को इतना सा और इतना बड़ा कर दिया, आज उसे मेरी परवाह नहीं। क्या बाप बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता, खेतों में काम करता है, धूप में पैर जल रहे हैं, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। लेकिन ताऊ जी आपके पास तो इतनी दौलत शोहरत सब कुछ है, आपकी तो जमीन भी पट्टे पर उठ हुई है। लेकिन अच्छा हुआ, बस यही है कि आज अगर मैं भी यही सोच लेता कि मेरे पिताजी जाहिल हैं, मेरे पिताजी जो है पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं क्या उनको घर से बाहर निकाल दूं, या मेरी बीवी उनको घर से? अरे मैं तो अपनी बीवी की टांगें तोड़ दूं अगर मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहे। और विजय, विजय एक पढ़ी लिखी जाहिल गंवार लड़की को लाके अपने अपने आप को यह साबित करना चाहता है कि वो सब कुछ, वही सब कुछ सही है? नहीं ताऊ जी, आखिर इंसानों दुनिया में बहुत सारे गम उतार चढ़ाव उतार देखे हैं, लेकिन इतना खुदगर्ज, इतना बेदर्द बेटा नहीं देखा जो आप, आपने क्या नहीं किया उसके लिए? अरे पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा पढ़ने के लिए, हाँ, और आपके साथ क्या किया? वाह विजय वाह, हाँ सारी वकालत अपने पिताजी पे ही दिखा दी।
अच्छा है मेरे बाप ने मुझे वकील नहीं बनाया, कम से कम डॉक्टर तो बनाया ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। वैसे ताऊ जी आप बेफिक्र रहो, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है मुझे बता देना, ठीक है? हाँ बेटा। आप आराम करो, पिताजी आ रहे होंगे, ठीक है ताऊ जी? ठीक, आप आराम करें, बैठो बैठो आराम से। और ताऊ जी तुम्हारी दवा मैंने सारी दे दी है, आएगी मेरी बीवी आती है तो वो सब कुछ ये पे लगा के, हाँ बिल्कुल मांग लें, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे मेरे पिताजी हैं वैसे आप हो, ठीक है ताऊ जी? देखा उस बाप को कितना घमंड होगा जिसका ऐसा बेटा हो, एक वो नायलक गधा और एक ये। जब कोई तारीफ करता होगा इसकी तो इसके पापा कितने खुश होते होंगे कि आज मेरे बेटे की सारे में तारीफ हो रही है। और एक वो नायलक जो बहू के कहने पर सोच भी नहीं सकता मैं कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा।